17 सूत्री मांगों को लेकर इंसाफ मंच डीएम के समक्ष बैठा भूख हड़ताल पर। दरभंगा जिला के पोलो मैदान में स्थित धरना स्थल पर आज इंसाफ मंच के बैनर तले भूख आमरण अनशन पर 17 सूत्री मांगों को लेकर बैठक और मीडिया से बात करते हुए उन्होंने बताया कि दरभंगा जिले की प्रशासन मौन हो चुकी है, यहाँ हर छोटी छोटी बातों को लेकर भूख हड़ताल पर बैठना पड़ता है, उसके बाद भी कार्रवाई नहीं होती है, केवल आश्वासन मिलता है। वही भूख हड़ताल पर 2 महिला और 3 पुरुष बैठे हुए थे, जिसमें कई प्रकार की मांग थी। मुख्य रूप से बिहार सरकार के जमीन को बेचने वाले हायाघाट प्रखंड के अंचल अधिकारी को निलंबित करने की मांग। पुरखोपट्टी में हुए 2 बहनों की हत्या के बाद पोखर में शव मिलने पर दरभंगा प्रशासन की कड़ी कार्रवाई की मांग। उसके साथ साथ सिमरी थाना में दर्जकान प्रखंड के मुख्य अभियुक्त की चार्जशीट से घूस लेकर थाना प्रभारी से CTSP तक पर कार्रवाई की मांग। एक काफी टाइम से कम से कम 10-20 एप्लीकेशन के लिए जनरल पट्टी की जमा हम लोग कर रहे हैं। कोर्ट ऑर्डर है, मिस्टर बेंसर साहब का ऑर्डर है, ऊपर है अंचल अधिकारी, वो कहते हैं हमारी पहुंच जाए कि एक ही तक है, आप जो करना है कर लीजिए, हम नहीं करेंगे, हम सरकारी जमीन बेचेंगे। उन्होंने कई जगह सरकारी जमीन बेची है, लेकिन कोई उनको पूछने वाला नहीं कि उनका मनोबल इतना बढ़ गया है कि छोटे से काम के लिए हम लोग बंद करना। एक अनुपम कुमार ये है, उसकी निजी जमीन को लोगों दबंगों ने कब्जा कर रखा है, एप्लीकेशन दे देकर वो ब्लॉक और थाना के चक्कर लगा कर हार गई, तो हमारे साथ बैठी हुई। उसके बाद बहरी का बच्चा चोरी हुआ, कितने आंदोलन हुए, क्या हुए, लेकिन इन लोगों को कोई मतलब नहीं है। आज तक इस बच्चे की रिकवरी नहीं हुई, जबकि पंचायत में उस अभियुक्तों ने एक्सेप्ट किया है कि वो बच्चा मेरे पास है, हम लाकर दे देंगे, लेकिन उसके बाद आज तक वो बच्चा नहीं दिया, ना बच्चा मिला। अभी हाल फिलहाल की घटना आप देखिए पुरखोपट्टी में किस तरह बेदर्दी से उसको मारा गया है, प्रशासन जो उसके लिए कोशिश लगी हुई है, आप इतना जल्दी जल्दी कर रहे हैं, ना उसका पोस्टमार्टम वीडियोग्राफी के साथ कराए, ना कुछ कराए। वहाँ पे लोग रोज देखिए यहाँ के कानून व्यवस्था का क्या हाल है कि रोज नंबर बिना नंबर प्लेट की गाड़ियाँ चलती, बाइक पे चलते हैं लोग, लड़के चलते हैं और एक दूसरे का मोबाइल छीन कर भाग जाते हैं, कोई पूछता नहीं है, कोई आपकी जैसे MBI हैं उनको कहीं पैसे की जरूरत होती है तो अक्सर आप देखेंगे ITI के आगे वो कैंप लगा के बैठते हैं, पैसे वसूलते हैं, घर चले जाते हैं, गाड़ी में पेपर है नहीं है, क्या है, नंबर प्लेट लगी है नहीं लगी, इससे उनको कोई मतलब नहीं है, बस उनको पैसे चाहिए। इसके अलावा जितने चर्ची लोग हैं, ड्रग एडिक्ट लोग हैं, वो लोग घूमते रहते हैं ऐसी दुकान जगह पर बैठते हैं और वो लोग ऐसे क्राइम करते हैं, रोज करते हैं क्राइम, लेकिन इन लोगों को हमारे प्रशासन को, दरभंगा प्रशासन को इनसे कोई मतलब नहीं है। इन सब चीज़ों को लेकर के हम लोग यहाँ पर बैठे हैं थक हार करके, इससे आगे अब करें तो क्या करें, शांतिपूर्वक अगर कोई आंदोलन है तो इससे बड़ा हमारी नज़र में कुछ नहीं है। हमारे साथ गरीब और पास सारे लोग यहाँ मौजूद हैं, इनको कोई नहीं पूछता, हमारे एक मामूली से CEO साहब और DM साहब का ऑर्डर नहीं मानते हैं। हमको लगता है कि इससे पहले जो मिस्टर त्यागराजन थे यहाँ के DM, वो प्रमोटेड थे कि क्या थे, IS थे, ये तो IS, लेकिन उनके अंदर लक्षण नहीं कभी हमको दिखा IS वाला। अब ये हमारे नए DM साहब जिलाधिकारी हैं, इनसे कुछ उम्मीद है लोगों को, अब देखते हैं ये भी अपना प्रमोटेड वाला काम करते हैं या एक पढ़े लिखे एडमिनिस्ट्रेटिव का काम करते हैं। मेरा नाम अकबर रजा है, इंसाफ मंच जिला का अन्याय के लिए कर्पूरी जी भी लड़ रहे थे, इसलिए उस जयंती के मौके से ही अनशन की शुरुआत हुई है। दरभंगा जिला के जो पुलिस महकमा का जो स्थिति है, सिमरी थाना कांड संख्या 175 और 294 जो दलित परिवार को उजाड़ दिया गया है, गुलशन आरा की हत्या हुई, जो अभी प्रभारी SP हैं वो अशोक प्रसाद मुद्दालय को बचाने की प्रक्रिया में लगे हुए हैं, इन तमाम सवालों को लेकर के, बच्चा चोरी की घटना आप लोगों को मालूम है कि बहेरी में बच्चा चोरी हो जा रहा है, पंचायत बैठती है, पुलिस महकमा को जानकारी है कि बच्चा चोरी किसने किया है, लेकिन पीड़ित परिवार को ही वहां प्रताड़ित पुलिस के द्वारा किया जा रहा है, वो भी आज थक हार करके अनशन पर बैठी है। पिछले दिन बलात्कार की घटना बेलही में हुई थी, उसके पिता भी बलात्कारियों को गिरफ्तारी के लिए आज अनशन पर बैठे हुए हैं। ये तमाम और अनुपम कुमारी की निजी जमीन पर दबंगों के द्वारा दखल कब्जा किया गया है, ये महिला DM से लेकर CEO और थाना प्रभारी तक दौड़ते दौड़ते थक गई है, वो भी आज अनशन पर बैठी है। तो इसीलिए हम लोगों ने तय किया है और पुरखोपट्टी में जिस ढंग का घटना हुआ है, पूरे देश, पूरा
राज्य शर्मसार हुआ है, दरभंगा के साथ साथ ही सारा शर्मसार हुआ है। उस घटना को जो बलात्कार की घटनाएं हुई है और हत्या की घटनाएं हुई है उसको यहाँ का पुलिस प्रशासन और प्रशासनिक पदाधिकारी डूबने की घटना बता रहे हैं। इन तमाम सवालों को लेकर के पिछले दिन डीलर के विरुद्ध में कार्रवाई के लिए आदेश हुआ था, लेकिन आज तक विनोद शाह जो सदर प्रखंड के नैना घाट में डीलर हैं उस पर आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। हसीन खान पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। पिछले दिन यहाँ पलट पासवान बैठे हुए हैं जिनका निजी जमीन पर अपना वो घर बना रहे हैं, उसको घर नहीं बनाने दिया जा रहा है। इन्होंने प्राथमिकी दर्ज कराया लेकिन यहाँ के सिमरी की पुलिस उस पर कोई कार्रवाई नहीं की। इन तमाम सवालों पर पिछले दिन हायाघाट के अंचलाधिकारी जो बहादुरपुर के चार्ज में थे, बिहार सरकार की जमीन को वो बेचवा दिए रसीद काट करके, उनके खिलाफ में भी कार्रवाई के लिए हम लोग यहाँ बैठे हैं। कमतौल में दलित को प्रताड़ित करने वाला मुकदमा है और यहाँ के जो सिटी एसपी है और थाना प्रभारी कमतौल जो है 5 लाख रुपया लेकर के उस मुकदमे को रफा दफा करने की प्रक्रिया में कर रहे हैं। इन तमाम सवालों को लेकर के हमारा इंसाफ मंच पीड़ित परिवारों का आज से अनशन चालू है। जब तक इन लोगों की डिमांड को माना नहीं जाएगा तब तक ये आंदोलन जारी रहे। आपने एक बड़ा आरोप लगाया सिटी एसपी पर 5 लाख रुपया और थाना प्रभारी, ये आपको जानकारी कैसे उपलब्ध हुई कि इन्होंने लिया? जानकारी कैसे, सिमरी थाना 175 उसमें 5 अक्यूज्ड को वो पैसा लेकर के निकाल दिया, हम जान रहे हैं, ये प्रमाणित चीज है। पीड़ित परिवार थक गया दरभंगा में दौड़ते दौड़ते आईजी एसएसपी और सिटी एसपी के यहाँ, और पैसा लेकर के प्राथमिकी अभियुक्त है, जो मेन अभियुक्त है उसका वीडियोग्राफी दिखाया जा रहा है, घटना के समय मौजूद है उसका मोबाइल का लोकेशन दिखाया जा रहा है, इसके बाद भी सिटी एसपी उसको पैसा लेकर के निकाल दिए गए। तो अब सिटी एसपी के जिला स्तरीय पदाधिकारी होते हैं, इनके ऊपर जो आप लोग कार्रवाई की मांग यदि करेंगे इस घटना में जो लिया गया घूस, तो फिर कहाँ करेंगे आप लोग? हम लोग यहाँ आईजी बैठते हैं, बिहार का सुशासन बाबू है, उसको वो देखें, उनका डिपार्टमेंट है इंटेलिजेंस, वो देखें इस मामले को। हमको तो नहीं लग रहा है कि पुरको पट्टी की घटना, अगर ये एसएसपी अशोक प्रसाद रहेंगे तो उसमें निष्पक्ष जाँच होगी, ये तो नहीं लग रहा है हमको। तो फिर ये लड़ाई दरभंगा जिला से आगे कैसे बैठेगी? अब हमारा अनशन है, आज से अनशन पर हम लोग बैठे हैं, जब तक हम लोगों का डिमांड नहीं माना जाएगा इस आंदोलन को हम और दूसरा रूप देंगे, और उस आंदोलन को हम आगे आंदोलन को बढ़ाएंगे और सुशासन बाबू के जो मुखिया हैं वहां तक हम अपनी बात को पहुंचाएंगे। अपना परिचय नियाज अहमद राज उपाध्यक्ष इंसाफ मंच।